और बाप माई भी खुश है कि हमारे बेटवा तो 80-85% आ रहा है, लेकिन एगो मैथ के अगर अच्छा से पॉइंट वाला जोड़ पूछेगा उसके नहीं आएगा। हम लोग का मेन विरोध एक ही है, जो ग्रेजुएशन बीएड में जो धांधली करके पैसा देकर जो मैथ अच्छा नंबर लेके आते हैं उनका विरोध करना है। पैसा कौन लेता है? यूनिवर्सिटी लेता है, कॉलेज लेता है, जितना यूनिवर्सिटी जितना प्राइवेट कॉलेज है सब ये वैकेंसी यूनिवर्सिटी कर रही है कि बीएससीबी कर रही है, बिहार सरकार कर रही है, शिक्षा विभाग वैकेंसी कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जितने भी प्राइवेट बीएड कॉलेज है, सब नेता विधायक का है, किसी का नहीं है। वो मनमानी नंबर देती है। एक बार भी जो मधेपुरा का डीएम था वो भी इस पर संज्ञान लिया है कि सब मोबाइल से चीटिंग करके लिखते हैं उस नंबर पर जोड़ के। हम लोग जो फ्रेश बहाली है उस नंबर पर हम मांग कर रहे हैं। पैसा कौन लेता है? पैसा कॉलेज लेता है, और कौन लेगा? प्रिंसिपल लेता है, उसका संचालक लेता है, और कौन? हम देंगे, हम मांगेंगे। कौन कॉलेज से ऐसा शिकायत है? जितना भी कॉलेज बिहार में है, आपको जितना भी मगध यूनिवर्सिटी है, वीर कुमार ऊपर तक भी जाता है पैसा? अब ऊपर तक जाता होगा, सबका बांधा हुआ। वीर कुमार यूनिवर्सिटी हो गया, मगध यूनिवर्सिटी हो गया, मिथिला यूनिवर्सिटी हो गया, जितना है सबका यही है। कितना तक रेट होगा? कितना तक रेट? 25,000 दीजिए, 97% 98% आपको घर बैठे ही डिग्री मिल जाएगा। एसटीईटी का नहीं, बीएड का। एसटीईटी जो भी है, ये तो दम समझिए कि एक फ्रेश बहाल परीक्षा। आप इधर आइए, आप बीएड का बता रहे हैं? हाँ, बीएड का बता रहा हूँ। 25,000-30,000 लेकर मतलब नंबर बढ़ाता है? हाँ, नंबर बढ़ाता है, चोरी भी करता है, मोबाइल से भी लिखता है सब, ये पूरा खुलेआम पता है। आज से 2015 से जो चल रहा है ऑन, जो इसका बीएससीबी का जो सिस्टम जो है, लेने का एग्जाम लेने सॉफ्ट नीति है, मैंने 50% 100% क्वेश्चन नंबर देता है, उसमें से 100 में से 50 बनाना रहता है, वो भी ऑब्जेक्टिव। अब समझिए कि जो ऑब्जेक्टिव 50 में 45 रंग देगा उसका अच्छा नंबर आएगा। और तो जो 2095 में नंबर जो मैट्रिक किया है, इंटर किया है, 1995 में, 2000 में, 2001 में, 2005 में, उसको तो सेकंड डिवीजन है। वो आज का अगर चोरी नहीं चलता तो 80-85% आज आ जाते हैं, उसको नाम से एड्रेस तक नहीं लिखने नहीं आता है। ये तो ये सबसे बड़ी सरकार ये जो कर रही है ना, जो लिटरेसी रेट जो है बिहार का, वो जब से जो नीतीश कुमार सरकार आई है, ये लिटरेसी रेट कम हो गया है। इसको लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए ये सॉफ्ट नीति अपनाया परीक्षा में, कि जितने भी आए, पहले होता था क्या चीज, 40% पास होता था, 60% फेल होता था। आज क्या नियम है कि 90% पास हो जा रहा है, 10% फेल हो रहा है। और बाप माई भी खुश है कि हमारे बेटवा तो 80-85% आ रहा है, लेकिन एगो मैथ के अगर अच्छा से पॉइंट वाला जोड़ पूछेगा उसके नहीं आएगा। तो वो उसको टीचर बनाने की आज ये सरकार लग रही है। तो ऐसे टीचर बनेंगे तो ऐसे छात्र भी पैदा होंगे और विकास भी वैसा ही होगा। काहे कि कहा गया है कि नौजवानों से ही विकास होता है, बिहार का विकास हो, भारत का विकास हो, पूरा पृथ्वी का विकास हो। हमको यही कहना है, हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं। हम विरोध ये नहीं कर रहे हैं कि किसी और का, जो शिक्षा नीति अपनाई हुई है मगध यूनिवर्सिटी चाहे किसी भी, खुलेआम है कि पैसा दीजिए 25-30,000-40,000 दीजिए, आपका 95% तक आ जाता है बीएड में नंबर। और जो सरकारी जो बीएचयू से किया है, जेएनयू से बीएड किया है, उसका 65% 64% में पूरा यूनिवर्सिटी टॉपर होता है। आप नहीं हो तो आप भी पत्रकार हैं, नहीं तो यहाँ पे जितने भी अच्छे यूनिवर्सिटी से जो पढ़े हैं उनसे पूछिए कि 64-65% में आप जेएनयू जो है, जो बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी, उसका टॉपर होता, पूरा यूनिवर्सिटी टॉपर, और आप 95% नंबर देता। मैं इसका विरोध कर रहा हूँ, इस नीति का विरोध कर रहा हूँ। ऐसे शिक्षक नहीं। क्या नाम? मेरा सूरज कुमार नाम। कहाँ से आए? हम गया से आए हैं। तो गया में तो मगध यूनिवर्सिटी है। हाँ, तो हम मगध यूनिवर्सिटी में आज से 3 महीना से प्रोटेस्ट चल रहा है कि इसका सेशन लेट चल रहा है, कोई सरकार ना भीसी ध्यान दे रहा है, भीसी मेरा चोर है। क्या नाम है वो उनका? नाम तो पता नहीं है कि कौन किसका नाम है। वो जितना भी अभी 2 महीना पहले की बात बता रहा है, वो अभी भागा हुआ है भीसी, उस पर मैंने कि गबन करने का पैसा, लाइब्रेरी का जो किताब आता है उसको गबन करने का, वो उस पर अभी केस चल रहा है, भीसी का ये हाल है। कुछ नहीं हुआ, होगा क्या जी, कुछ नहीं हो रहा। चलिए, ये एक अभ्यर्थी ने बड़ा साहस किया है, क्या नाम बताए थे भाई साहब? सूरज जी ने कई बातें बताई है कि अभी जो भी बीएड जो हो रहा है उसमें पैसे के लेन देन करके नंबर बढ़ाया जाता है, और भी तमाम
खबरें देखने के लिए लगातार राजनीति से जुड़ी हुई और अभ्यर्थियों से जुड़े हुए मुद्दे के लिए आप झकास भारत देखते रहिए। मेरा नाम हुआ रविकांत, धन्यवाद।